हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हौसला रखो प्रभु, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा और? जल्दी पहुंच जाएंगे। हौसला रखो प्रभु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी प्रभु। ये अपराधी लोग हैं ना, कुछ ही बहाने बनाते हैं। हार्ट अटैक हो गया, ताकि बस कानूनी कार्रवाई ना। पता, ये मामला है वैसे भी हॉस्पिटल के मालिक का, डॉक्टर रंजीत के। डॉक्टर रंजीत ही है ना? डोंट वरी सुशीला जी, ऑपरेशन के बाद दोनों ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। रंजीत जी, सिगरेट मंगवाऊं आपके लिए? देखिए, आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि इस ऑपरेशन के बाद आप सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ देंगे। वेरी गुड। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी सांस नहीं आ रही है। प्रभु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना, हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हॉस्पिटल। प्रभु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। डॉक्टर साहब जल्दी करिए। सर, बाहर मीडिया वाले जाने को तैयार ही नहीं हो रहे। उनको लग रहा है ये सर्जरी, ये सब कुछ एक नाटक है। क्या? अच्छा, तुम एक काम करो, पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट संजीव से रंजीत जी की रिपोर्ट मंगवाओ। सर, मैंने रिपोर्ट्स के लिए बोला हुआ है, बस वो आ ही रही है। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। ये डॉक्टर कमलेश है और यही डॉक्टर रंजीत का ऑपरेशन करने वाले। डॉक्टर कमलेश, क्या ये हार्ट अटैक असली है या फिर इंक्वायरी से बचने का कोई नाटक? देखिए, मैंने डॉक्टर रंजीत को खुद चेक किया है, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। अगर उनका ऑपरेशन आज वक्त पे नहीं हुआ तो उनका बचना नामुमकिन। You understand that? लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट में नाम आने के बाद ही ये हार्ट अटैक आया, तो ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। देखिए, हार्ट अटैक उस केस से पहले आया या उस केस के बाद में, ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ पे कोई नाटक, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। हम तो ये भी जानते हैं कि कई सालों से आप मिस्टर रंजीत के दोस्त भी हैं। आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मिस्टर रंजीत और हम दोस्त हैं, करेक्ट। लेकिन मिस्टर रंजीत अगर किसी रैकेट में शामिल है या नहीं है, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। सर, ये लीजिए। लाइए, ये देखिए, ये है उस बात का सबूत, ये है उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, देखिए, ये उनके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते लेवल, ये उनके ट्राइग्लिसराइड, देखिए, ये है उनके दिल का स्कैन, ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि उनके जो दो मेन आर्टरीज है वो लगभग पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं। उनका साफ होना बहुत जरूरी है। मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल सुबह उनका ऑपरेशन है और आप लोगों को जो भी सवाल पूछते हैं ना, उनके ऑपरेशन के बाद, उनके होश में आने के बाद उनसे पूछ ली। थैंक यू वेरी मच। टीम, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब सारे ब्लॉकेजेस क्लियर है और अब ये खतरे से भी बाहर है। विनीत, ड्रेसिंग में। जी सर। इन्हें हार्ट अटैक आया है। विनीत, गिव हिम द इंजेक्शन राइट नाउ। ऑक्सीजन चेक करो फास्ट। कैसे हो गया? हम इन्हें बचा ना पाए। मौत नहीं ऑफिसर,
मर्डर हुआ है। मर्डर? जी। पर डॉक्टर रंजीत की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है ना? हार्ट अटैक तो हुआ है लेकिन अपने आप नहीं हुआ है। क्या मतलब? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए सर, ये है रंजीत के दिल का स्कैन जो उसकी सर्जरी के पहले किया गया था। ये दो आर्टरीज, ये पहली वाली लगभग 50% ब्लॉक्ड है जबकि दूसरी वाली 80% ब्लॉक्ड है। और ये दूसरा स्कैन देखिए सर, जो सर्जरी के तुरंत बाद ही लिया गया था, जिसमें कोई ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑपरेशन सफल था। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर रंजीत को दिल का दौरा पड़ा और हम उन्हें बिल्कुल बचा ना सके। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि रंजीत को हार्ट अटैक नहीं बल्कि किसी ने मारा है? सर मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर रंजीत की हत्या ही हुई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पे एक ब्लॉकेज है जो सर्जरी से पहले किए हुए स्कैन में था ही नहीं, और इसी की वजह से हार्टवी में 100% ब्लॉकेज हुआ जिसकी वजह से फाइनली डॉक्टर रंजीत की मौत हो गई। हाँ मगर डॉक्टर साहब कभी कभी सर्जरी के वक्त भी तो खून का थक्का आ जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया होगा। होता है सर, लेकिन इतना बड़ा ब्लॉकेज यूं मिनटों में नहीं बनता, इसके लिए सालों लगते हैं सर। सुबह के 7 बजे जब हमने ये पहला स्कैन निकाला था तो इसमें कोई ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं था सर। महज 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा ब्लॉकेज कैसे बन सकता है सर, बताइए। डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसे किसी की आर्टरी ब्लॉक कर सकता है? किसी ने कैसे ऐसा किया होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। वो हम पता लगा लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आप सिर्फ इतना बताइए किसने किया होगा, ये कौन कर सकता है बताइए। मुझे नहीं लगता कि रंजीत जैसे भले आदमी के साथ ऐसा कोई कर सकता है। और सब जहां तक हमें मालूम है डॉक्टर रंजीत वही है ना जिनके ऊपर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में गड़बड़ी करने का केस चल रहा है? हाँ चल रहा है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलो थैंक यू डॉक्टर अभिजीत, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो, डॉक्टर सारंगी को पूरी बात डिटेल में बता देना। वेरी इंटरेस्टिंग। आई नो बॉस। हाँ बॉस, डॉक्टर कमलेश का शक एकदम सही था, रंजीत का खून ही हुआ है, उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज था नहीं, ब्लॉकेज करवाया गया। ब्लॉकेज करवाया गया मतलब? बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या कुछ नई बात बताया आप? नई बात बताता हूँ, आइए। ये देखो बॉस, ये इंसान का दिल है और ये है वो ब्लड वेसल्स आर्टरीज जिनकी वजह से दिल में खून आता जाता है। अब ये आर्टरीज दो तरीके से ब्लॉक हो सकती है बॉस, या तो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए और आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाए। ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन, ये प्लाक इकट्ठा हो गया, प्लॉक इकट्ठा हो गया है और आर्टरीज ब्लॉक हो गई। दूसरी वजह किसी भी कारण से खून का थक्का जम जाए और आर्टरीज को ब्लॉक कर दे। अब इसकी सर्जरी में ये जो दो ब्लॉकेजेस थे ये तो सर्जरी के दौरान क्लियर हुए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से ही हुई, और वो है ये तीसरा आर्टरी का ब्लॉक जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ, और इस ब्लॉक की कोई और ही वजह है। ब्लॉक की वजह कुछ और ही है मतलब? इसकी वजह है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर। पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर, ये कोई खतरनाक केमिकल है क्या? नहीं नहीं फ्रेडी सर, ये केमिकल तो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये डायपर देख रहे हैं, ये केमिकल हर डायपर और सैनिटरी नैपकिन के अंदर होता है, और इसका काम है किसी भी लिक्विड या तरल पदार्थ को जेल में बदलना। ये है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के क्रिस्टल्स। अब मैं इसको के ऊपर पानी डालती हूँ। अरे ये तो जेल बन गया। तारिका जी ये कोई जादू है क्या? जादू नहीं प्रेडी, साइंस। बॉस इस केमिकल को वाटरलॉक भी कहते हैं, ये
अपने से कई सौ गुना ज्यादा पानी को या किसी भी लिक्विड को अपने अंदर सोख लेता है। अच्छा, तो इसीलिए ये डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स में इस्तेमाल होता है। और सर, रंजीत के आर्टरी के ऑटोप्सी में यही केमिकल मिला है। बॉस, ये केमिकल अपने आप तो उसकी आर्टरी में पहुंचेगा नहीं। हाँ, सर्जरी के वक्त ही गया होगा। ये केमिकल पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर, जिसकी वजह से उसका खून जेल में बदल गया और उसने आर्टरी को ब्लॉक कर दिया और उसकी मौत हो गई। मगर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है सारुंखे। सर्जरी के वक्त ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर उसके शरीर में डाला नहीं गया। अगर वैसे होता तो उसी वक्त, सर्जरी के वक्त उसका खून जेल में बदल जाता, ब्लॉकेज हो जाता और उसकी मौत हो जाती तुरंत। सर्जरी 2 घंटे तक चली और तो और सर्जरी कामयाब भी रही। 2 ब्लॉकेज थे वो भी साफ हो गए, लेकिन ये तीसरा ब्लॉकेज बाद में आ गया। इसका मतलब है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर उसे बाद में दिया गया, सर्जरी के बाद में। और ये तो डॉक्टर कमलेश के टीम में से ही कोई दे सकता है। ऐसे किसी केमिकल का इस्तेमाल सर्जरी में तो नहीं होता सर? पता है हमें डॉक्टर साहब, ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर सर्जरी में इस्तेमाल नहीं होता और इसीलिए हमें शक है कि किसी ने डॉक्टर रंजीत को जानबूझकर ये दिया। और हमें शक है वो आप में से ही कोई एक है, आप में से ही कोई। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? सर, ये हमारे बेस्ट डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम है। यहाँ पे ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है सर। क्रिमिनल्स हमारे जैसे ही दिखते हैं, समझे आप? आसमान से नहीं टपकते। लेकिन सर, इस हॉस्पिटल से हमारा घर चलता है, हम हमारे मालिक को क्यों मारेंगे? और सर, डॉक्टर रंजीत से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो उन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा? डॉक्टर, आपने कहा कि ये केमिकल सर्जरी में नहीं इस्तेमाल किए जाते, लेकिन जो औजार, जो इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते, वो कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इस केमिकल को उन औजारों पे ही लगा दिया हो? ऑपरेशन के वक्त आप लोगों ने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे? सर, सबसे पहले हमने एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बस एक नीडल, एक सिरिंज और एक इंजेक्शन ही यूज किया है। दरअसल ये चीजें बिल्कुल वैक्यूम पैक होती हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के वक्त ही खोला जाता है। मैंने डॉक्टर कमलेश को सेट दिया था और मैंने पूरी तरह चेक किया था, वो वैक्यूम पैक था। और हाँ सर, हमने दवाइयाँ और खून चढ़ाने के लिए कुछ ट्यूब्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि आईवी ट्यूब्स, कैथेटर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम देखना चाहते हैं। एक सर्जरी में इस्तेमाल हुई चीजें हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, उसको जला के नष्ट कर देते हैं। और वो सारी चीजें कल ही हमने भिजवा दी थी और अब तो सब ये कहाँ पर है? ये सारी चीजें कहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं आप लोग? सर, इंसिनरेटर रूम में। इंसिनरेटर रूम में? फ्रेडी, तारिका, जाओ जाकर देखो जल्दी। इसे जल्दी से बाहर निकालो, हम लोग सीढ़ी से। चलो निकालिए बाहर। मैं इसे इमीडिएटली चेक करके आपको बताती हूँ। आईवी बैग और एक सेंट्रल लाइन में से मुझे पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के ट्रेसेस मिले हैं। क्या? क्यों डॉक्टर साहब? किसने डॉक्टर रंजीत को आईवी ट्यूब और आईवी बैग लगाई थी? डॉक्टर नीतू ने?
जी सर, मैंने ही उनको सेंट्रल आईवी लाइन लगाई थी, पर मुझे नहीं पता कि उसमें वो केमिकल कैसे आया। आपको नहीं पता तो किसको पता है? उस ट्यूब में हमें केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं, ट्यूब आपने लगाई थी। देखो डॉक्टर नीतू, क्यों किया तुमने ये? क्यों किया? सर आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना था और ये मेरी पहली जॉब है। रंजीत सर को मार के मुझे क्या मिलेगा सर? एसीपी सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज आप हमें से किसी पे शक मत कीजिए। हमें से ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर हमें से किसी ने भी ऐसा किया होता तो हम खुद आपको यहाँ क्यों बुलाते? बस वो केमिकल आईवी ट्यूब और आईवी बैग में से मिला है और वो डॉक्टर नीतू ने लगाया था। अगर डॉक्टर नीतू ने नहीं लगाया तो फिर और किसने लगाया है? कोई जवाब? आसान के क्या यार सारूंखे, अभी अभी तक तो तू ये कह रहा था कि पॉलीएक्रिलिक पॉलीमर से कोई भी लिक्विड कुछ ही सेकंडों में जेल में कन्वर्ट होता है। अब तू कह रहा है कि डॉक्टर रंजीत की सर्जरी से पहले उसे ये पॉलीमर दिया गया था। कैसे, ये कैसे हो सकता है? हा? बस जब मैंने रंजीत की ऑटोप्सी को और बारीकी से चेक किया तो मुझे पॉलीएक्रिलिक पॉलीमर के अलावा एक और केमिकल भी मिला। और एक केमिकल मिला, कौन सा? जेलेटिन। जेलेटिन तो घुल गया है लेकिन उसके ट्रेसेस अभी भी बाकी हैं बॉस। यार तू कहना क्या चाहता है? मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जेलेटिन आखिर उसके खून में गया तो गया कैसे? जेलेटिन, ये कैप्सूल का खोल जेलेटिन का बना होता है जिसमें दवाई भरी जाती है और ये कैप्सूल शरीर में तब तक नहीं घुलता है जब तक वो अपनी जरूरी जगह पर नहीं पहुंच जाए, क्योंकि इस जेलेटिन को घुलने में थोड़ा वक्त लगता है। चले ये जेलेटिन का कैप्सूल ये हमने पानी में डाला, अब इसे घुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मतलब सारंगी, तेरे कहने का मतलब है कि जिसने भी ये किया है उसने पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर रंजीत के शरीर में इस कैप्सूल के जरिए डाल दिया? नहीं बॉस, कैप्सूल के जरिए नहीं, बल्कि उसने ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स को जेलेटिन में कोट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि ये केमिकल तब तक डिसॉल्व हो जब तक वो दिल में नहीं पहुंच जाए। उसे सब कुछ पता था, जेलेटिन के घुलने का वक्त, केमिकल के दिल तक पहुंचने का वक्त, सब कुछ जानता था वो। इसीलिए उसने बहुत होशियारी के साथ ये प्लान बनाया और कामयाब भी हो गया। इसीलिए आपको लग रहा है कि ये काम ऑपरेशन थिएटर में नहीं हुआ है? हाँ सर, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये केमिकल सुबह 4 से 5 बजे के बीच रंजीत के आईवी ट्यूब या सेंट्रल लाइन में डाला गया था, जबकि ऑपरेशन हुआ 7 बजे। फिर पता लगाते हैं सुबह 4 और 5 बजे के बीच कौन गया था डॉक्टर रंजीत के रूम में। सर सर, उस वक्त मैं घर पे था। और आपकी टीम? सर सुबह 6 बजे से पहले हमें से कोई हॉस्पिटल नहीं आया और सुबह 6:30 बजे मेरी टीम सर्जरी के लिए रंजीत के वार्ड में गई। वैसे रंजीत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रैकेट में अपने फंसा था सर, तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ दुश्मन भी होंगे। तो ये सारा मामला इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ही है? हा? सर मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने कंप्लेन की है कि रंजीत ऑर्गन ट्रांसप्लांट की लिस्ट में धांधली किया करता था सर। कैसी लिस्ट? जब भी किसी मरीज को अपने शरीर का अंग बदलना होता, उसे ज़रूरत होती एक ऐसे डोनर की जिससे वो अंग लिया जा सके। कई बार ऐसे मरीज महीनों यहाँ तक कि सालों साल भी डोनर का इंतजार करते हैं। ऐसे मरीजों की एक लिस्ट होती है और जैसे ही डोनर मिल जाता है उस लिस्ट के हिसाब से पहले और बाद में उन्हें वो अंग दे दिया जाता है। लेकिन लोगों की ये कंप्लेन रही है कि डॉक्टर रंजीत ज़रूरतमंद मरीजों को वो अंग न देकर अमीर और पैसे वाले मरीजों को भारी कीमत पर वो अंग बेच दिया करते थे। लेकिन इससे पहले कि इस केस का कोई भी निष्कर्ष निकल था, किसी ने डॉक्टर रंजीत को ही मार दिया। हॉस्पिटल में कल सुबह 4 और 5 बजे के बीच जितने भी लोग मौजूद थे उन सब से पूछताछ करते हैं। ऑपरेशन के पहले पूरे वक्त में उनके साथ थी सर।
भाभी जी को कहीं जाना पड़ता था तो मैं और धर्म वहीं पे होते थे। रात को कौन था वहां पे? सर 12 बजे तक तो हम लोग भी थे, उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो मैम रात को आप थी वहां पे? जी 4 से 5 बजे के बीच भी। जी हाँ 4 और 5 के बीच में वही थी। इसे आप साबित क्या करना चाहते? मैंने मेरे पति को मारा है, मैं पत्नी हूँ उनकी। ऐसे समय में मैं उनके पास नहीं रहती तो कहाँ रहती? देखिए मैम 4 से 5 बजे के बीच मिस्टर रंजीत की आईवी में वो केमिकल डाला गया, और अगर उस वक्त आप थी वहां पर तो जाहिर सी बात है कि आप ही ने किया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मेरे पति जैसे भी थे वो उन पे कोई भी इल्जाम था, वो एक अच्छे पति थे, मेरे सब कुछ थे, और उन्हें मारने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं थी। देखिए अगर आपने नहीं किया है तो जिसने भी ये किया है या जो भी 4 से 5 बजे के बीच वहां पर आया था, आपने उसे देखा तो हो गए? मैंने घड़ी तो नहीं देखी थी, लेकिन लगभग उसी वक्त वार्ड में एक डॉक्टर आया था। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि चेहरे पर मास्क था। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक है ना? इनका CRP रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर डॉक्टर ये 4 से 5 बजे के बीच मिस्टर रंजीत को जो IV बैग लगा हुआ था वो किसने लगाया था? सर मैंने, रात को 12 बजे लगाया था, वो सुबह तक चल रहा था। सर हो सकता है IV बैग्स बदल दिए गए हो। ये IV बैग्स आप लोग रखते कहाँ हैं और कौन कौन जा सकता है वहां पर? सर स्टोर रूम में रखते हैं और वहां पर सभी लोग आ जा सकते हैं। उस वक्त हॉस्पिटल में कितने लोग थे? सर बहुत सारे लोग थे, लेकिन रंजीत सर को जिस वार्ड में रखा गया था वो स्पेशल वार्ड था और वहाँ पर कोई आ नहीं सकता था। वो सिर्फ उसी मंजिल के लोग वहाँ पे जा सकते थे, जैसे कि पैथोलॉजी स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स और मरीज और उनके रिश्तेदार। और डॉक्टर तेज आप ड्यूटी पर थे? जी हाँ, लेकिन सर सुबह 4 और 5 बजे के बीच में मैं मिस्टर रंजीत के रूम में गया ही नहीं था सर, ना ही मैंने कोई सर्जरी वाला मास्क लगा रखा था। अगर आप मास्क पहनकर वहां नहीं गए थे तो फिर वो कौन है जो मास्क पहनकर डॉक्टर के भेष में वहां गया और रंजीत की हत्या की? सर ये जैसे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा मरीज और उनके साथ आए हुए लोग भी थे, कहीं उनमें से तो कोई एक नहीं? चलो देखते हैं। आइए डॉक्टर साहब। सर इस वार्ड में वो मरीज हैं जो कल भी एडमिट थे। हम इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं सर, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद चलकर उस वार्ड तक जा सके। खुद नहीं जा सकता, लेकिन कोई तो होगा जिसने उस खूनी को देखा हो। सर इनमें से 2 मरीज ऐसे हैं जिनकी सर्जरी हुई और बाकी सब इस हालत में नहीं है कि उठकर इस वार्ड से बाहर निकले। बस इतने ही मरीज हैं, इनके अलावा कोई और? मतलब कोई ऐसा जो कल यहां पर था मगर अभी नहीं? हाँ सर, एक आदमी था जो मिस्टर रंजीत की सर्जरी से एक रात पहले आया। उसे सीने में दर्द की प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने सारे टेस्ट किए लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। सर हौसला रखो प्रफुल्ल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मर गया, डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। बुलाओ डॉक्टर। हौसला रखो ना, हौसला रखो। डॉक्टर साहब देखिए ना इतना दर्द हो रहा है। नॉर्मली मैं चेक कर लेता हूं। बहुत दर्द है डॉक्टर। देखिए ECG एंजियोग्राम सब नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता इन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इन्हें गैस की प्रॉब्लम है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। घर? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, आप कम से कम रात भर तो इन्हें यहाँ रहने दीजिए ना। देखिए मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, लेकिन अगर आप फिर भी कहती हैं, नर्स इन्हें एडमिट कर दीजिए। डोंट वरी, ही विल बी ओके। ये प्रफुल्ल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुआ? सर यही कोई 9:30 बजे। 9:30 बजे? पंकज इस प्रफुल्ल के बारे में पता करो और यहाँ हॉस्पिटल में उसने जो एड्रेस और नंबर दिया है उसे क्रॉस चेक करो।
सर। हाँ पंकज, प्रफुल्ल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। नहीं सर, हॉस्पिटल में प्रफुल्ल ने जितनी भी डिटेल्स दिखाई थी सर, सब गलत थी। और प्लस उसने पेमेंट भी कैश में की थी सर। मगर ये वार्ड बॉय सर, ये वार्ड बॉय एम्बुलेंस में प्रफुल्ल को हॉस्पिटल लेके गया था सर। कहाँ से उठाया था उसको? मलाड से साहब, उसकी वाइफ को जानता हूँ मैं। वाइफ को जानते हो? कैसे? वो पीकॉक बार की एक नंबर डांसर चेरी है। अच्छा। और मैं उसका फैन नंबर एक, एक साल से रेगुलर हर हफ्ते वहाँ जाता था, खाली उसी के वास्ते। अपने को वो कभी देखी नहीं, और उस दिन एम्बुलेंस में इतने प्यार से अपने पति का टेक केयर कर रही थी, कसम से जान जल रही थी मेरी, ये देखकर मेरा दिल टूट गया। तो रूपाली असल में पीकॉक बार की डांसर है सर, चेरी। रूपाली पीकॉक बार की डांसर रूपाली, रूपाली उस चेरी, इस चेरी से जाकर मिलो, अच्छी तरह से पूछताछ करो, यही हमें प्रफुल्ल के बारे में सब कुछ बता देगी। अपनी चेहरी आज तो खुश दिख रही है। चेहरी को छोड़, वो आदमी कहाँ है? ये कहाँ जा रही है साहब? साहब यही है चेहरी का मरण। ये है? दो दिन पहले इसको हार्ट अटैक आया था, अच्छा बैठ के रोमांस कर रहा। देख, मैंने काम पूरा किया ना बॉस, तो पूरा पैसा ही बनता। सुन 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 सुन, तूने कहा उसको मार डाल, मैंने मार दिया। अभी कैसे किया, क्या किया, ये सब मैं घुसने का नहीं। हाँ देख 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 देख, अभी मेरे को ये बता, मेरे को पैसा लेने किधर आने का है बस। ठीक है, कल सुबह 10 बजे। ठीक है, ने मान लिया कि खून इसी ने किया है सर। अपने बॉस से फोन पे बात कर रहा था कुछ पैसे की लेन देन के लिए, और कल सुबह उससे मिलने वाला है सर। अभी पकड़ लिया? नहीं नहीं, अभी नहीं, ये अपने बॉस से मिलेगा और हम लोग भी मिल लेंगे इसके बॉस से। पता तो चले असली खिलाड़ी कौन है। करने क्या आया है यहां पे? यहां क्या करना था?
था तो खाली हाथ अभी बैग लेके जा रहा है। ये बॉस तो बहुत चालाक निकला, इसको पकड़ते हैं। कौन हो तुम? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बैग इसे खोल के दिखाओ, क्या इसमें? अरे सामान है मेरा, और क्या करने का आप लोगों को? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये बता कि रंजीत को क्यों मारा तूने? किसके कहने पे मारा? सर मेरा रंजीत को? कौन सा रंजीत सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं, फोन पे तो अपना गुनाह कबूल कर चुके हो, अब जरा हमें भी बता दो। सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर। सर फोन पे सर झूठ बोला था सर, मैंने फोन पे सर सच बोल रहा हूँ सर। पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हो? सर अभी अभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपके सामने सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर। तो वो झूठा हार्ट अटैक का बहाना करके हॉस्पिटल में भर्ती क्यों हुआ था? सर मैं उधर जमा जरूर हुआ था सर, उसको मारने के लिए जमा हुआ था सर, लेकिन सर वो मेरे मारने से पहले ही मर गया सर। मर गया? हमें अच्छी तरीके से पता है कि रंजीत के खून में वो जिलेटिन कोटेड केमिकल तुमने मिलाया था, पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर। क्या साहब, क्या बोला साहब? सर क्या बोल रहे हो सर? सर इतनी बड़ा बड़ा नाम अगर याद कर पाता सर तो मैं डॉक्टर नहीं बन जाता सर। सर मैं ना सर आठवीं फेल हूँ सर, आठवीं फेल सर। सर ये किलोमीटर पॉली क्या बोल रहे हो साहब, मेरे को नहीं मालूम है सर। सर मैं उधर था, मौका मिलते ही मैं उसका गला बिला दबा के चाकू भी के अंदर करके उसको, लेकिन सर मौका ही नहीं मिला सर मौका ही नहीं मिला। वो भर्ती हो गया सर उधर किधर, जो चीर फाड़ के आओ वो सर ऑपरेशन होता है ना कमरे में सर, वो उधर भर्ती हो गया सर। सर तो सुबह न्यूज आया सर, वो निकल लिया सर। सर सच बोल रहा हूँ सर, सर नहीं तो मेरी चेहरी से पूछ लो सर। अच्छा तो फिर ये इतने सारे पैसे और वो फोन कॉल? सर मेरे को एक आदमी ने फोन करके कहा वो मेरे को पैसा देगा, आधा काम होने से पहले पैसा देगा और आधा काम होने के बाद सर। सर लेकिन वो मेरे मारने से पहले ही सर खुद ही मर गया सर वो। तो मेरे को लगा सर काय को अपना नुकसान करूं मैं सर, मैंने पार्टी को झूठ बोला सर। झूठ? हॉस्पिटल में 4 से 5 बजे के बीच रंजीत के कमरे में तुम ही गए थे ना डॉक्टर के भेस में? सर गया था सर, सर पूरी रात लोगों का आना जाना चालू था सर उधर। सुबह 4-5 बजे सर थोड़ा शांति माहौल हुआ सर, तो मैं डॉक्टर का वो इधर लगाते सर मास्क और कोट बीट पहन के सर गया सर। मैं जैसे ही इसको मारने वाला था ना उधर आंटी चक गई सर। क्या बात है डॉक्टर? मेरे को असली का डॉक्टर समझा, मेरे से सवाल जवाब करने लगा। मैं डर गया सर, मैं क्या जवाब देता सर उसको, तो मैं वहां से भाग गया। सच बोल रहा हूँ सर मैं भाग गया वहां से। कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था तुझे? सर मेरे को उसका नाम पता नहीं मालूम है सर। कोई क्या सर प्राइवेट नंबर कुछ सर ऐसा किसी से फोन करता है सर, वो पहले भी उसने यही ऐसे ही पैसा दिया था सर, और ये वाला भी सर ऐसे ही। जो सर सच बोल रहा हूँ सर, सर सच बोल रहा हूँ सर। सर आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया सर? प्रफुल को जानते हो? प्रफुल? कौन प्रफुल? प्रफुल? अरे हाँ, तुम तो उसे जानते नहीं, तुमने उसे कभी देखा भी नहीं, तुमने तो सिर्फ उसके साथ फोन पर ही बात की। आप लोग क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, हम यहाँ दिलाते हैं। अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? तो गगन जी बताइए, अभी क्यों मारना चाहते थे तुम रंजीत को, बताओ जल्दी। सर रंजीत साहब के साथ उस किडनी रैकेट में मैं भी था, लेकिन सर धांधली मैंने नहीं की है सर, मैं तो सिर्फ रंजीत साहब को थोड़ी बड़ी पार्टियां ला कर देता था, बाकी सब तो वही किया करते थे सर।
जब ये केस हो गया तो मुझे पता था कि फंसने पर रंजीत साहब सारा दोष मेरे सर पे मर देंगे। इसी से बचने के लिए मैंने रंजीत साहब को मारने का प्लान किया और इसीलिए मैंने प्रफुल्ल को कांटेक्ट किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पैसों के लालच में ऐसा घिनौना काम कर दिया। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, समझे? कड़ी से कड़ी सजा। ले जाओ इसे पंकज। सर हम तो घूम फिर के वहीं आ गए। प्रफुल्ल ने हमें बताया कि उसने रंजीत को नहीं मारा, तो फिर किसने किया होगा? ये प्रफुल्ल जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है, कुछ तो छुपा रहा है ये प्रफुल्ल। तुम्हारी नजर हर वक्त उस कमरे पर थी, तो कुछ याद है कि उस रात उस कमरे में कौन गया था, या फिर सुबह 4 से 5 बजे के बीच उस कमरे में कौन गया था? साहब, उस रात रंजीत साहब के कमरे में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा था, पर मैं तो इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कोई ना हो और मैं अपना काम। सब 4-5 बजे के बीच स्टाफ के सारे लोग चले गए। मतलब दया, अभिजीत खूनी वही है। पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट संजीव। हैं सर। चलो। बताओ सब कुछ सच सच बताओ जल्दी। हाँ सर, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैंने उस पॉलीमर को वो सेंट्रल लाइन में डाला था ताकि वो मर भी जाए और किसी को शक तक ना हो। मैं तो चाहता था सर कि वो ऑपरेशन के दौरान ही मर जाए, लेकिन वो बाद में मरा। तो क्यों क्यों मारा तुमने डॉक्टर रंजीत को? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी डॉक्टर रंजीत के साथ? उसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली थी सर। उसने मेरी बेटी को मार डाला था सर। बेटी को मार डाला था। क्या बकवास कर रहे हो? रंजीत कभी किसी का खून नहीं कर सकते। ऐसा मुझे भी लगा था। मैंने 15 साल इस अस्पताल में ईमानदारी से सेवा की और अचानक एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी का बॉडी ऑर्गन फेल हो गया है। उसकी जिंदगी के लिए नया बॉडी ऑर्गन का मिलना बहुत जरूरी था सर, और वो मिला भी, एक डोनर मिला सर, और कुछ ही दिनों में उसे नया बॉडी ऑर्गन डालने वाले थे, उसे नई जिंदगी मिलने वाली थी सर, नई जिंदगी। मैं खुशी से पागल था सर, खुशी से पागल हो गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी इसी अस्पताल में सर, ऑपरेशन भी होने वाला था, लेकिन मुझसे और इंतजार करने को कहा गया।
वो नन्ही सी जानती कब तक इंतजार करती सर, वो तो चली गई, मुझे छोड़ के चली गई सर। फिर मैंने एक दिन ऑफिस में उसका केस पेपर देखा सर। मुझे पता चला कि उसका बॉडी ऑर्गन तो मैच हो गया था सर, लेकिन मुझे झूठ कहा गया था कि मैच नहीं हो रहा है। झूठ कहा गया था सर, उसे चंद पैसों के लिए किसी और को दे दिया गया था सर, सिर्फ अच्छे पैसों के लिए, कुछ ज्यादा पैसों के लिए। मेरी बेटी मुझसे चली गई सर, मुझे छोड़कर चली गई। तो सर उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला तो लेके रहूंगा सर, कसम खाई थी मैंने। क्या फायदा हुआ? क्या तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल गई? बदले की आग में तुमने एक जान ले ली और खुद बन गए सजा के हकदार। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.